हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली पोएट्री को। और आज का हमारा पहला चैप्टर होगा इस पोएट्री का पहला लेसन, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है इंग्लैंड के एक फेमस राइटर सर हेनरी वॉटन ने, जिनका जीवन काल 1568 से 1639 ईस्वी के मध्य रहा था। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम चाहेंगे कि आपको इस कविता के राइटर और इस कविता के बैकग्राउंड के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दी जाए। तो अगर बात करें सर हेनरी वॉटन की, तो सर हेनरी वॉटन 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान और एक आलोचक थे, जिनका जन्म 1568 को इंग्लैंड में हुआ था। ये न केवल एक कवि बल्कि एक राजनयिक भी थे। सर हेनरी वॉटन 1604 से 1624 ईस्वी तक वेनिस के न्यायालय में राजदूत के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे, और उसी दौरान सन 1604 ईस्वी में ही इनको नाइट की उपाधि भी दी गई। उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान जॉन डन थे, वे इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो ये रहा सर हेनरी वॉटन का एक संक्षिप्त परिचय। अब अगर बात करें इस कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की, तो सर हेनरी वॉटन के अनुसार वास्तव में खुश रहने वाले व्यक्ति का जीवन उसके विचारों, धार्मिकता, ईमानदारी और आत्मसंतोष की सच्ची स्वतंत्रता से चिन्हित होता है। वह हमेशा ईर्ष्या, बीमारी और सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करता है और अपना समय किसी अच्छी किताब या किसी अच्छे दोस्त की संगति में व्यतीत करता है। वह स्वयं का मालिक है, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र है। वह गरीब हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा महान होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था इस कविता का सेंट्रल बैकग्राउंड। चलिए हम हमारी कविता को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कविता का पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट That serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy is he? वह कितना खुश है, वह कितना प्रसन्न है, born or taught, जन्म से या फिर उसे ऐसा सिखाया गया है। वह जन्म से ही इतना खुश है या फिर उसे खुश रहना सिखाया गया है। That serveth not, जो कि सेवा नहीं करता, अनदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं की। कहने का मतलब यह है, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं रहता है, वह स्वयं अपनी इच्छा का मालिक होता है, वह अपने आप में स्वतंत्र है, वह जैसे चाहे वैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। हूज ऑर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑर्मर, ऑर्मर का मतलब होता है कवच। वो कवच उसका है ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार। एंड सिंपल ट्रूथ, और उसकी साधारण सी जो सच्चाई है, हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट कहते हैं सबसे बड़ी, एंड स्किल, स्किल का मतलब होता है गुण या प्रतिभा। जो उसका सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी उसकी प्रतिभा है, वो है उसकी साधारण सी सच्चाई। अर्थात जो एक प्रसन्न व्यक्ति है, वह अपने विचारों तथा अपने कार्यों में स्वतंत्र होता है, वह आत्मनिर्भर होता है। या तो उसमें ये गुण जन्मजात होते हैं, या फिर इसे प्राप्त करने के लिए उसे सिखाया जाता है। वह व्यक्ति ईमानदार होता है और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, और इसी कारण से उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। उसके चरित्र का जो सबसे महान लक्षण है, वो केवल सत्य होता है, और इसी सत्यवादी व्यक्तित्व के कारण उसका लोग सम्मान करते हैं, और इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने आप में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति बन जाता है। हमारा अगला स्टैंजा है, हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, Whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, our princely love, our vulgar breath. Whose passion,
जिसका संवेग नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका मालिक नहीं होता। अब संवेग का मतलब ये है, संवेग देखिए हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का हम रिएक्ट करते हैं, हमारे अंदर प्रेम भी आता है, क्रोध भी आता है और घृणा भी होती है, तो इसी को हम कहते हैं संवेग। और ये अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्य के अंतरात्मा से अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो यही जो भावनाएं हैं एक खुश रहने वाले व्यक्ति की, उसी की वो बात करता है और कहता है कि उसका जो पैशन है, उसका जो संवेग है, वह संवेग उसका मालिक नहीं है, उसका संवेग उसके अधीन है। Whose soul is still prepared for death? और उसकी आत्मा still prepared, हमेशा तैयार रहती है for death, मृत्यु के लिए, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु ही एक अंतिम सत्य है और इस सत्य के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। Untied unto the world with care. Untied का मतलब है फ्री होना, स्वतंत्र होना, unto the world with care, सांसारिक चिंताओं से। जो सांसारिक चिंताएं हैं उन चिंताओं से यह व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त होता है। और वो सांसारिक चिंताएं कौन कौन सी हैं, आगे की लाइन में बताता है कवि, ऑफ प्रिंसली लव। प्रिंसली लव का मतलब होता है राजसी प्रेम, राजकुमारों का जो प्रेम होता है, उस तरह के प्रेम को पाने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वह इस तरह के प्रेम की चिंता नहीं करता है। आर वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ कहते हैं पीपल क्रिटिसिज्म को, जनता की जो आलोचनाएं होती हैं, चूंकि समाज हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की आलोचना करता ही है, अब चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, तो इस प्रकार की आलोचना की चिंता उस प्रसन्न व्यक्ति को नहीं रहती है। वह अपने आप में अलग तरीके की एक दुनिया को जीता है और उसी दुनिया में वह पूरी तरह से प्रसन्न रहता है। अगला स्टेंजा है, Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Who hath, जो रखता हो, hath का मतलब हैज से है, his life, अपने जीवन को, from rumors freed, अफवाहों से दूर या अफवाहों से मुक्त। जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, अर्थात जो अफवाहों पर ध्यान न देता हो, whose conscious, और जिसका अंतःकरण, जिसकी अंतरात्मा, is his strong retreat, retreat का मतलब होता है shelter, शरण स्थल, और जिसकी अंतरात्मा उसका सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो, whose state का मतलब है स्थिति, can neither flatterers feed, flatterer कहते हैं चापलूस व्यक्तियों को, feed का मतलब है संतुष्ट करना, तो उस व्यक्ति को कोई चापलूस व्यक्ति अपनी झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं कर सकता है। अगर आप ऊपर की लाइन से जरा सा देखें, तो ऊपर की लाइन में कवि ने कहा कि उस व्यक्ति के लिए उसकी अंतरात्मा उसका सबसे शक्तिशाली शरण स्थल होती है, अर्थात वह सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो सिर्फ अपने मन की बात को सुनता हो, उस व्यक्ति को कोई चापलूस व्यक्ति अपनी झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं कर सकता है, और ना ही नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट। ऑपरेशंस कहते हैं जो दमनकारी व्यक्ति होते हैं, और ग्रेट बड़े बड़े, और ना ही उसे बड़े बड़े दमनकारी व्यक्ति कोई हानि पहुंचा सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं या फिर उसको बर्बाद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सामाजिक अफवाहों से बहुत दूर रहता है और जो सिर्फ अपने मन की बात को सुनता है, ऐसे व्यक्ति को कोई चापलूस व्यक्ति अपनी झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं कर सकता, उसे बहका नहीं सकता है, और बड़े से बड़ा दमनकारी व्यक्ति भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसके इरादों को धराशाही नहीं कर सकता है, और ना ही उसे कभी नष्ट कर सकता है। अगला स्टेंजा है, Who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good. Who envies none? Envies का मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और खास तौर पे ऐसे व्यक्तियों से, whom chance doth raise, जो अवसर पाने पे रेज, ऊपर उठ जाते हैं या धनी हो जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अवसर पाकर एकाएक बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से यह व्यक्ति ईर्ष्या नहीं रखता है, नार वाइस, और ना ही उनकी वह बुराई करता है।
who never understood, और वह अपने मन में कभी ऐसे विचार नहीं रखता है कि how deepest wounds are given, कि उसे कितने ही गहरे घाव क्यों ना दिए गए हों, with praise, प्रशंसा के साथ, अर्थात चापलूस व्यक्तियों के साथ उसकी चापलूसी करते हुए कितने ही गहरे घाव उसे क्यों ना दिए गए हों, वह कभी इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में नहीं रखता है, ना रूल्स ऑफ स्टेट और ना ही वह राज्य के द्वारा बनाए गए कायदे कानून का पालन करता है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छे नियमों का पालन करता है, वह अच्छे नियमों का अनुसरण करता है। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी की एकाएक उन्नति पर, भाग्यवश उसकी प्रगति पर, उसे ईर्ष्या नहीं रखता है और ना ही कभी उसकी बुराई करता है, और झूठी प्रशंसा के द्वारा भले ही चापलूस व्यक्ति उसे कितने ही गहरे घाव क्यों ना दिए हों, वह उन बातों को अपने ब्रेन में नहीं रखता है, उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता है जितना वह सदाचार के नियमों के प्रति होता है, सच्चे नियमों के प्रति होता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में कितना प्रसन्न होता है। हमारा अगला स्टैंजा है, Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth, doth का मतलब यहाँ does से है, does का मतलब होता है करता है, late and early pray, pray का मतलब प्रार्थना, late and early का मतलब है देर सवेर, वह देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना करता है, और यह प्रार्थना वह किस लिए करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस का मतलब कृपा, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वह करता है, देन गिफ्ट्स, बजाय उपहारों को प्राप्त करने के। अब उपहारों से मतलब ये है जो ईश्वर सुखों को प्राप्त करता है, जो सांसारिक सुख है, उन सुखों को प्राप्त करने के बजाय वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए जब कभी उसे समय मिलता है वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। Who entertains, और जो मनोरंजन करता है, the harmless day, एक हानि रहित दिन का, हानि रहित दिन से मतलब यह है कि वह किसी को कष्ट नहीं देता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, with a well chosen book, और अपना समय व्यतीत करता है कैसे, with a well chosen book, एक चुनी हुई अच्छी किताब के साथ, our friend, या फिर एक अच्छे दोस्त के साथ। अर्थात हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है जब कभी उसे समय मिलता है, और वो आराधना इसलिए करता है कि वह ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सके, ईश्वरीय गुण प्राप्त कर सके, वो ये नहीं चाहता है कि उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, उसके लिए वह ईश्वर की वंदना, उसकी आराधना नहीं करता है। और जब भी वह खाली रहता है, जब भी उसके पास समय रहता है, तो वह अपना समय जो है एक अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे दोस्त के साथ व्यतीत करता है, और किसी भी प्रकार की किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। कविता का लास्ट स्टेंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल वैंड्स, ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति मुक्त है, स्वतंत्र है, फ्रॉम सर्वाइल वैंड्स, सर्वाइल कहते हैं दास्तापूर्ण या गुलामी के, गुलामी के या दास्तापूर्ण बंधनों से यह व्यक्ति मुक्त है। और किस प्रकार की ये बंधन है उन्हें आगे बताता है, ऑफ होप टू राइज, होप टू राइज, उन्नति की जो आशा है, इन आशाओं से वह मुक्त है, आर फियर टू फॉल, या फिर जो गिरने का भय है, जो पतन का भय है, इन भय से भी वह व्यक्ति मुक्त रहता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह किसी भूभाग का स्वामी नहीं है, फिर भी वह स्वयं का मालिक है, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी ही है थॉल, उसके पास सब कुछ है। अर्थात एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हमेशा सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है, उसे उन्नति की कोई आशा नहीं रहती है, उसे पतन का कोई भय नहीं रहता है, वह अपने आप में स्वयं का मालिक होता है, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कविता के साथ, तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।